जीपीएल न्यूज हर खबर आपके। गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल के हथुआ बड़का गांव मीरगंज सहित कई जगहों पर आज चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बीएन चौधरी, अंचल अधिकारी हथुआ विपिन कुमार सिंह एवं हथुआ थाने के एसआई प्रमोद कुमार ने दल बल के साथ अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजिकल सेंटर एवं फर्जी नर्सिंग होम तथा अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की, जिसमें पूरा इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जिला मुख्यालय में भी अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम, जांच घर एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर को छापेमारी कर दर्जनों अवैध सेंटरों को सील कर कार्रवाई की जा चुकी है। इसी के तहत आज जिला अधिकारी के आदेश पर चिकित्सा पदाधिकारी के नेतृत्व पर व्यापक रूप से छापेमारी की गई, जिसमें हथुआ के डॉक्टर लाल बाबू सहित मीरगंज के जांच घर सहित दर्जनों जगहों पर छापेमारी की गई। चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि कई जांच घरों को जांच किया गया, जिसमें किसी के पास किसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट नहीं पाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि ना ही किसी के पास कोई रजिस्ट्रेशन मिला और ना ही किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट। उन्होंने बताया कि किसी भी सेंटर के किसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा एक डॉक्टर जिनका नाम एस हुसैन है ने अपने पैड पर MD लिखवाया हुआ था, परंतु उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। इन सभी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जिला अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। की गई है, क्या इसमें मिला और क्या फैक्टर आया था, किस तरह की थी? हम लोगों ने 6-7 पैथोलॉजिकल लैब का जांच किया, जिसमें किसी के पास किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं था। कोई पैथोलॉजिकल लैब चलाने के लिए एक MBBS डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है, जो किसी भी लैब में नहीं मिला। दूसरा है, जो भी लैब टेक्नीशियन है उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। हम लोगों ने 7 जांच किया, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। हमारे साथ CO हथुआ थे, थाना प्रभारी हथुआ थे। एक नरेनिया में हम लोगों ने पलक जांच घर जांच किया, जहां एक सो कॉल्ड लैब टेक्नीशियन मिला विनाश, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कोई उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, किसी तरह का पोल्यूशन बोर्ड का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, वो ट्रेंड नहीं था और अपने को खुद कह रहा था कि हम MRI चलाते हैं। दूसरा एक डॉक्टर मिला जो खुद अपने को बोला कि MD है, लेकिन उसके पास किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं मिला। उसका नाम है एस हुसैन। तो इस तरह हमारे हथुआ, नरेनिया, बड़का गाँव में हम लोगों ने 2 जगह जाँच किया, दोनों ताला बंद करके फरार हो गए। और इस तरह कुकुरमुते की तरह हमारे यहाँ अवैध पैथोलॉजिकल लैब और झोला छाप डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। और हम लोग DM सर गोपालगंज के आदेशानुसार एक 3 आदमी की टीम, जिसमें CO हथुआ, थाना प्रभारी हथुआ और डॉक्टर BN चौधरी, इंचार्ज मेडिकल अफसर PSC हथुआ के द्वारा हम लोगों ने किया, और इसकी रिपोर्ट हम लोग DM सर को दे रहे हैं। तुरंत आधे घंटे के अंदर हम लोग भेज रहे हैं। JPL न्यूज हर खबर आपके। सेंट एंथनी स्कूल, जहां आपको मिलेंगे ट्रेन टीचर्स, कंप्यूटर क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्टूडेंट फ्रेंडली एटमोस्फियर, गाड़ी की सुविधा। अगर आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें सेंट एंथनी स्कूल, विदेशी टोला थावे। मोबाइल नंबर 9661033996 और 7766936644। JPL न्यूज हर खबर आपके।